आई एम प्रमोद, पुराना ट्रेडर हूँ। पुराना मतलब आजकल के बच्चों के लिए तो हम अंग्रेज़ों के ज़माने के ट्रेडर हैं। वैसे ट्रेडिंग में कई ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे नए और पुराने ट्रेडर सब बराबर हो जाते हैं, जैसे मेरे साथ इस एक ट्रेड में हुआ। मैंने अपनी एनालिसिस की और कुछ पोजीशन ले ली। माय टारगेट वाज टू एग्जिट इन 1 or 2 days, बट उस दिन डेट क्या थी, 8 November 2016। मैंने सुबह 11 बजे पोजीशन ली और रात को 8 बजे डीमोनेटाइजेशन हो गया। मैं बहुत पैनिक हो गया था क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस न्यूज़ से मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी, और मुझे क्या किसी को भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। मेरे माइंड में तो सिर्फ एक साउंड ट्रैक चल रहा था कि आपका क्या होगा जनाबे अली। खैर, मैंने डिसाइड किया टू सेल एंड एग्जिट एज सून एज पॉसिबल। वेरी नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट खुला, सेलिंग शुरू हो गई। एज एक्सपेक्टेड मार्केट बहुत ही गिर रही थी, सब बेचने पे लगे हुए थे। मैंने भी ट्राई किया बट बाई चांस मेरा सिस्टम हैंग हो गया। थैंकफुली आई कुडंट सेल। थैंकफुली इसलिए कि अगर उस समय बिक जाता तो बहुत लॉस हो जाता। मैंने बेचा उसी दिन ही और बिना प्रॉफिट के ही बेचा, बट कम से कम मुझे लॉस नहीं हुआ। दैट डे इट वॉज प्योर लक जिसने मुझे बहुत बड़े लॉस से बचा लिया। एंड आई लर्न दिस वन थिंग कि लाइफ हो या ट्रेडिंग, यू डोंट कंट्रोल एवरीथिंग। तो रिस्क लो, पर उतना लो जितना बियर कर सको, बिकॉज लक माइट सेव योर सम ट्रेड्स बट लक कैन नॉट बी योर स्ट्रेटजी इन ट्रेडिंग। Investments in securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.